वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मार्केट में इतने सारे कफ सिरप्स अवेलेबल हैं और यही रीजन हमें कंफ्यूज कर देता है कि हमें इनमें से कौन सा कफ सिरप चूज करना चाहिए या हमारे लिए कौन सा कफ सिरप ठीक रहेगा। उसकी वजह यह है कि हर कफ सिरप की कंपोजिशन ऑलमोस्ट दूसरे कफ सिरप से डिफरेंट होती है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। वीडियो में आपको डिटेल से गाइड करूंगा कि आपको अपनी कफ के लिए कौन सा सिरप इस्तेमाल करना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ कफ से। तो कफ दो तरह की होती है, एक होती है ड्राई कफ जिसे हम नॉन प्रोडक्टिव कफ के नाम से भी जानते हैं और एक होती है वेट कफ जिसे हम प्रोडक्टिव कफ के नाम से जानते हैं। ड्राई कफ में बेसिकली आपको जब खांसी होती है तो गले में इरिटेशन होती है, खराश होती है बहुत ज्यादा, और कई दफा जब खांसी ज्यादा हो जाए तो सीने में खराश या इरिटेशन महसूस होती है। तो अगर आपको ड्राई कफ हो तो उसके लिए डेक्स्ट्रोमेथाफिन वाला सिरप इस्तेमाल करना चाहिए। ये वो साल्ट है जो कि ड्राई कफ को ट्रीट करता है। लेकिन कई दफा ऐसे होता है कि ड्राई कफ के साथ साथ रनिंग नोज के सिम्टम्स भी होती है, यानी नाक भी बह रहा है और साथ साथ ड्राई कफ भी है। तो उस सूरत में आपको डेक्स्ट्रोमेथाफिन वाला सिरप इस्तेमाल करना है और साथ साथ दूसरा साल्ट जो होना चाहिए उसमें क्लोरोफेनिलमाइन होना चाहिए, डाइफेनहाइड्रामाइन होना चाहिए। यानी ड्राई कफ जो है वो डेक्स्ट्रोमेथाफिन ट्रीट करेगा और साथ साथ रनिंग नोज के सिम्टम्स जो है वो क्लोरोफेनिलमाइन या डाइफेनहाइड्रामाइन ट्रीट करेगा। इसकी परफेक्ट एग्जांपल है हाइड्रेटेड डीएम सिरप या फिर एसिफल सिरप या फिर कोल्ड ड्रग्स। अगर आपको ये दोनों सिम्टम्स हैं तो आप ये तीनों में से कोई भी एक सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके इन सिम्टम्स को ट्रीट करेगा। लेकिन कई दफा ऐसे होता है कि ड्राई कफ के साथ साथ रनिंग नोज भी होता है और साथ साथ कंजेशन भी होता है। यानी ड्राई कफ है, खुश खांसी है, रनिंग नोज है, नाक बह रहा है और साथ साथ नाक बंद भी है। तो उस सूरत में जो आपको सिरप इस्तेमाल करना है उसमें डेक्स्ट्रोमेथाफिन होना चाहिए, क्लोरोफेनहाइड्रामाइन होना चाहिए और साथ साथ फिनरफाइन होना चाहिए, यानी फिनलफाइन। ये तीनों साल्ट्स होने चाहिए और इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा कोरेक्स डी सिरप में या फिर रेल्टस डीएम सिरप में। यानी अगर आपको तीनों सिम्टम्स हैं तो आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज जो अपने जहन में रखनी है वो ये है कि इन केमिकल्स को, इन सारे साल्ट्स को जो इन कफ सिरप्स में मौजूद है, इन्हें कफ सप्रेसेंट्स के नाम से भी जाना जाता है और अक्सर ये मेंशन भी होता है कफ सिरप के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में कफ सेंटर सप्रेसेंट होता है, ये उसे यानी कफ सेंटर को दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो है इनके इनका एक इफेक्ट होता है कि उसमें नींद आती है आपको या गुनौदगी सी महसूस होती है। इसीलिए आजकल इन सिरप्स में, कुछ सिरप्स में कैफीन भी ऐड की जाती है ताकि ये नींद या गुनौदगी ना आए और ये किसी न किसी हद तक इनका इफेक्ट कम हो जाए, इनका जो साइड इफेक्ट है इन सिरप्स का वो कम हो जाए। तो ये है कफ, ड्राई कफ का ट्रीटमेंट। आते हैं हम वेट कफ के ट्रीटमेंट की तरफ, जिसे हम प्रोडक्टिव कफ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो है जब हम खांसते हैं तो इसमें म्यूकस आता है या बलगम आता है खांसी के साथ साथ, क्योंकि ये लंग्स के अंदर से बलगम और म्यूकस को लेके आ रहा होता है। तो इसीलिए हम प्रोडक्टिव कफ के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका फायदा होता है ये इन्फेक्शन आपका जो लंग्स का है उसे खत्म कर रहा होता है। लेकिन जब ये दो तीन दिन से ज्यादा हो जाए तो उस सूरत में इसकी मेडिसिन यूज करनी चाहिए। इसे फौरन नहीं रोकना चाहिए बलगम को, क्योंकि ये अच्छी होती है। इसकी मेडिसिन कैसे काम करती है, ये बलगम को पतला कर देती है और बलगम पतला करके खांसी के जरिए सारे का सारा जो है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह जो है ये आपकी खांसी को, कफ को ट्रीट करती है और आपके लंग्स के इन्फेक्शन को, जो बेसिकली म्यूकस है वो एक लंग्स का इन्फेक्शन ही होता है, उसी वजह से होता है, तो उसको जो है वो खत्म कर देती है। इसमें जो साल्ट्स यूज होते हैं वो है पोटेशियम साइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अम्ब्रोक्सोल और आईवी लीफ वाले सिरप्स जो है वो वेट कफ को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल्स जो है वो एडलिन सिरप है या डॉक्टर क्रॉफ सिरप है, आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा कॉमन है। कोई भी आईवी लीफ वाला सिरप आप इस्तेमाल करें वो भी वेट कफ के ट्रीटमेंट के लिए ही यूज होता है। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि वेट कफ के साथ साथ जो है वो जो बलगम है वो बहुत ज्यादा जमी होती है या निकल नहीं रही होती सिरप की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जम चुकी होती है सीने के अंदर। तो उसके लिए जो दूसरे साल्ट्स यूज होते हैं वो नहीं, हम कहते हैं ब्रोंकोलाइटिस। उसकी एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन ये ब्रोंकोलाइटिस लेने की वजह से थोड़ी सी दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि डॉक्टर की हिदायत करदा अमाउंट के हिसाब से ही सिरप को कंज्यूम करना चाहिए। तो इसकी जो मतलब इसमें जो नॉर्मल सिरप्स होते हैं वेट कफ वाले, उनमें एडलिन सिरप है उसमें भी ये चीजें पाई जाती हैं या क्रॉफ में भी पाई जाती हैं। आईवी लीफ जो है वो इन दोनों का ट्रीटमेंट करती है, इसमें ये दोनों केमिकल्स पाए जाते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे सिरप की तरफ जो वेट और ड्राई कफ दोनों के लिए, ताकि आपको पता हो कि आप जो सिरप यूज कर रहे हैं वो इन दोनों चीजों को ट्रीट करेगा कि नहीं करेगा। तो बेसिकली कुछ ऐसे सिरप्स भी हैं जिनमें सारे के सारे केमिकल्स पाए जाते हैं और वो ड्राई और वेट कफ दोनों को ट्रीट करने के लिए भी यूज होते हैं। जैसे कि उसकी परफेक्ट एग्जांपल है सिंपल हाइड्रेलिन सिरप, एक हाइड्रेलिन डीएम है वो ड्राई कफ के लिए होता है, लेकिन एक हाइड्रेलिन सिरप है सिंपल, वो जो है वो ड्राई कफ और वेट कफ दोनों के लिए यूज होते हैं। यानी खुश खांसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट खांसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पुलमोनोल सिरप है, वो भी वेट और ड्राई दोनों के लिए यूज होता है। इसके अलावा रेल्टस सिरप है, सिंपल रेल्टस सिरप,
एक रेल्टस डीएम है वो ड्राई कफ के लिए, जबकि एक रेल्टस सिरप है वो भी जो है वो खुश्क और ड्राई कफ और वेट कफ दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमेशा याद रखें कफ सिरप जो है वो जब बच्चों को देने हों तो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब क्वांटिटी ही दें, क्योंकि इन कफ सिरप्स के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे मैंने बताया वेट कफ है तो उसकी वजह से दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो सकती है, अगर उसमें ब्रोंकोलाइटिस एड है जिनकी जो मैंने ये केमिकल यहाँ मेंशन साल्ट मेंशन किए हैं वो अगर उसमें है तो उसकी वजह से दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो सकती है। हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्राइब क्वांटिटी ही लेनी है अपने सिरप की सूरत में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप जो है वो बेहतर तरीके से अपने आप को आप गाइड होंगे और आप बेहतर तरीके से अपना ट्रीटमेंट कर सकेंगे कफ की सूरत में। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।